हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। ग्राम सभा अजोसी में पहुंची 112 नंबर की पुलिस। आपको बता रहे हैं कि निहाल तिवारी पूड़ी खा के आ रहे थे, अचानक अजोसी के कुछ लड़कों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको लाठी और डंडे से मारे। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? निहाल तिवारी। अच्छा, क्या विवाद हुआ तो जो 112 नंबर आई थी? ये पूड़ी खा के आ रहे थे हम लोग, मारने के लिए धमकी मार दिए, मेरे हाथ टूटने वाला था, पैर भी, गला दबा रहे थे मेरा। हाँ, कौन दबा रहा था? ये शशि यादव। अच्छा, तो गांव का नाम मंजन है। अच्छा, और ये सागर यादव। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे थे? अजोसी से। कहाँ गए थे? गए थे अजोसी पूड़ी खाने। अच्छा, पूड़ी खाने गए थे आप, और रास्ते में अचानक कुछ बातचीत हुई कि ऐसे ही मारे? ये लोग मेरी बहन को गंदी नजर से देख रहे थे। अच्छा, आपकी बहन को गंदी नजर से देख रहे थे, वही विवाद को लेकर आपको मारे हैं? हाँ। तो आपने 112 नंबर पुलिस बुलाई, 112 नंबर क्या कही आपको? कही है कि उनके कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। अच्छा, कहे कार्रवाई की जाएगी। आपको थाने पे भी बुलाए हैं? हाँ जी, कल सुबह बुलाए। तो कल आप सुबह जाएंगे थाने पर, प्रार्थना पत्र देंगे? जी जी। मतलब ग्राम सभा अजोसी के रहने वाले, आपके साथ किसे मारे हैं आपको? बांस लाठी से मारे, देख लीजिए यहाँ पर है अभी। अच्छा अच्छा, अभी देख लीजिए। अच्छा, वो लाठी से आपको मारे हैं? जी, हमको भी मारे हैं और एक लड़का और था। कौन है आपके साथ और मारा है? अच्छा, आपको भी मारे हैं? यस यस। कहाँ मारे हैं आपको? यहाँ पर मारे थे और यहाँ। अच्छा, तो आपको क्यों मारे जो इनके साथ थे? इसके लिए हम लोग ये साथ में आ रहे थे, यहीं पर खड़े थे, तो उतरे, इन्हें भी मारा तो हमें भी मारा, हमने इधर आए तो इन्हें ज्यादा मारा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शिवम चौहान। अच्छा, तो आप लोग पूड़ी खा के आ रहे थे और इनका आरोप है कि इनके बहन को छेड़ते थे, उसी विवाद को लेकर इनको मारे हैं? गांव की लड़कियों, इस गांव की जितनी भी लड़कियां हैं सबको ये लोग गंदी नजर से देखते हैं। अच्छा, सब लड़कियों को ऐसे देखते? अब बोलो कि धमकी देंगे मारने की, जान से मारने की धमकी देते, जान से मारने की धमकी देते हैं।